नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और विशिष्ट चिन्ह का भी किया अनावरण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय का किया दौरा। वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के वैज्ञानिकों व संस्थान के छात्रों व संकाय के सदस्यों से भी की बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा, सरकार के प्रयास से हिंसक घटनाओं में 60% की आई कमी। साथ ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने से आतंकवाद के फलने फूलने के रास्ते भी हुए बंद। बिहार के बेगूसराय के बलिया में भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने शुरू की मामले की जाँच। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना को लेकर एमवीए मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया तक निकालेगा विरोध मार्च। आज से 30 सितंबर तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मना रहा है 7वां राष्ट्रीय पोषण अभियान। कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है इस वर्ष अभियान का उद्देश्य। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किया बायो E3 नीति पत्र। बायो मैन्युफैक्चरिंग पहल पर वेबसाइट भी हुई लॉन्च। देश में जैव विनिर्माण उद्योग के उच्च प्रदर्शन को मिलेगी गति। पहली बार कंबोडिया और भारत पर्यटन वर्ष की हुई शुरुआत। कंबोडिया के पर्यटन मंत्री ने कहा 2024 में 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी कंबोडिया घूमने जाने वाले भारतीयों की संख्या। अमेरिका के मिसिसिपी शहर में बड़ा सड़क हादसा, एक बस के पलटने से 7 लोगों की मौत, 37 लोग घायल। गाजा में आज से पोलियो टीकाकरण अभियान हुआ शुरू। इजराइल व हमास 3 दिनों तक मानवीय संघर्ष विराम लागू करने पर हुए सहमत। गाजा में 6,40,000 बच्चों का किया जाएगा टीकाकरण। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। आज रवि रोंगाली पुरुषों के शॉटपुट स्पर्धा में पेश करेंगे चुनौती। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में भारत ने निशानेबाजी में एक और पदक किया हासिल। भारतीय निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में देश के लिए जीता कांस्य पदक।